वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आई एम असीम कुमार मंडल एज अ मैथमेटिक्स टीचर रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजदा. स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग द अनदर थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.8, चैप्टर 6, ट्राइंगल, क्लास 10, मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी. द नेम ऑफ द थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम. मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टूडेंट ऑफ द चैप्टर नंबर 6, पाइथागोरस थ्योरम. इसको हमने बचपन से देखा स्टूडेंट, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में वी नो दैट वेरी वेल, द स्क्वेयर ऑफ हाइपोटेनियस, द स्क्वेयर ऑफ हाइपोटेनियस विल बी इक्वल ऑफ स्क्वेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वेयर ऑफ बेस. सिंपल, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. बट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द क्लास 10th क्वेश्चन इन द पैटर्न, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रूव इट. ओके स्टूडेंट, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रूव इट. स्टेटमेंट स्टूडेंट, सब कुछ याद हो जाना चाहिए. ओके स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज यूज्ड इन राइट एंगल ट्राइंगल. सो स्टार्ट, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, व्हाट इज द मीन ऑफ द हाइपोटेनियस, यू नो दैट वेरी वेल. हाइपोटेनियस दैट मीन्स अ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. सो इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वेयर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, द स्क्वेयर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड विल बी सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ अनादर साइड्स. ओके स्टूडेंट, जो सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है उसी को वर्ड्स में लिखा हुआ है, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वेयर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड विल बी इक्वल ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ अनादर साइड. ओके स्टूडेंट, सेकेंड, गिवन दैट, जब भी आप किसी भी थ्योरम को करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट दैट मीन्स अ स्टेटमेंट, सेकेंड पॉइंट दैट मीन्स अ गिवन दैट, देन टू प्रूफ, देन कंस्ट्रक्शन, एंड लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ. याद रखिएगा स्टूडेंट, इस ही सीक्वेंस में हमको थ्योरम को करना है. फर्स्ट वन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, इनसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा. स्टेटमेंट के बाद आएगा गिवन दैट, वी हैव टू प्रूव, जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ स्टेटमेंट. फर्स्ट वन, इन ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके स्टूडेंट, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल सच दैट एंगल बी विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री. लेट अस कंसिडर, एंगल बी विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री. अ फ्रंट साइड ऑफ 90 आर नोन एज हाइपोटेनियस. याद रहेगा स्टूडेंट, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है. लॉन्गेस्ट साइड दैट मीन्स हाइपोटेनियस. ओके स्टूडेंट, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ द स्क्वेयर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड दैट मीन्स ए सी स्क्वेयर विल बी इक्वल ऑफ सम विल बी इक्वल ऑफ सम of square of another two side that means AB and BC. Okay student, we have to prove AC square will be equal of AB square plus BC square. Now we're taking the last and most important part of theorem proof. Student ध्यान से देखिएगा, मैं इस theorem को तीन पार्ट्स में करूंगा. ओके स्टूडेंट, थ्री पार्ट्स, वी हैव टू प्रूफ ए सी स्क्वेयर विल बी इक्वल ऑफ ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर. ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन जो भी छूट चुकी है, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ड्रॉ
ड्रॉ बी डी, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ओके स्टूडेंट, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, दैट मीन्स एट अ पॉइंट डी वी डिफाइन 90 डिग्री बोथ साइड। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, प्रूफ। सबसे पहले हम सबसे बड़े वाले ट्राइंगल को ले रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी। क्या बोला स्टूडेंट? ट्राइंगल एबीसी। ओके स्टूडेंट, ट्राइंगल एबीसी, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? ध्यान से देखिए, आपको तीन ट्राइंगल दिख रहे होंगे। फर्स्ट वन बी सी डी। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन ट्राइंगल बी सी डी, सेकेंड वन अपर ट्राइंगल बी डी ए। ओके स्टूडेंट, एंड थर्ड वन ट्राइंगल ए बी सी। ओके स्टूडेंट, कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको? तीन ट्राइंगल, एक बड़ा वाला ट्राइंगल, छोटा और छोटा। मैं आपको रूल बता रहा हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल के साथ एक बार अपर एंगल लीजिए और एक बार लोअर एंगल लीजिए। ओके स्टूडेंट, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी। बी डी सी, वेयर इज द बी डी सी? दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल ऑफ बी डी सी। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, वी हैव टू प्रूव बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। ध्यान से देखिए, जब भी हमको किसी ट्राइंगल को सिमिलर करना, मतलब दो चीज, इक्वल एंड सिमिलर मतलब तीन चीज। फर्स्ट वन, इन ट्राइंगल ए बी सी बी सी, इन ट्राइंगल बी सी डी बी सी, दैट मीन्स अ बी सी इज अ कॉमन साइड। फर्स्ट वन बी सी विल बी इक्वल ऑफ बी सी, कॉमन साइड। ओके स्टूडेंट, पूरा पूरा लिख देते हैं, कॉमन साइड। फर्स्ट वन बी सी विल बी इक्वल ऑफ बी सी, एंड इन ट्राइंगल ए बी सी बी विल बी इक्वल ऑफ 90, इन ट्राइंगल बी डी सी एंगल डी इक्वल टू 90। ओके स्टूडेंट, एंगल ए बी सी इक्वल टू बी डी सी विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री इन एनी टू ट्राइंगल। किसी भी दो ट्राइंगल में अगर जो कोई दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे, दैट मीन्स बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, सॉरी बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो वी कैन राइट परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस। ओके स्टूडेंट, चलिए आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पर छोड़ दिया, दिस इज माई ट्रिक। नाउ वी टेकिंग द अनदर टू ट्राइंगल्स, होल ट्राइंगल विद द अपर ट्राइंगल। पूरे ट्राइंगल में देखिए स्टूडेंट, ए बी इज अ कॉमन साइड, ए बी इक्वल टू ए बी रिटर्न कॉमन साइड। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, एंगल ए बी सी विल बी इक्वल ऑफ बी डी ए। ओके स्टूडेंट, विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री, सच दैट बाय यूज ऑफ द स्टेटमेंट वन एंड टू वी कैन से बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो वी कैन राइट परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस। स्टूडेंट आप फिर से समझ लीजिए, अभी तक हमने क्या करा है। फर्स्ट वन द स्टेटमेंट ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज द मीन ऑफ द स्टेटमेंट? द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, द स्क्वायर इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड विल बी इक्वल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अनदर टू साइड। दिस इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ना गिवन दैट Given that triangle ABC is a right angle triangle at a point B, that means a B equal to 90 degree. Okay, student. To prove, we have to prove AC square equal to AB square plus BC square. Next one, construction. Draw BD perpendicular on AC. Student, जो proof है, मैं आप उसको बिल्कुल याद करवा दूंगा, ऐसी trick बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, अपर ट्राइंगल मतलब बड़े वाले ट्राइंगल के साथ एक बार ऊपर वाला ले लीजिए और एक बार नीचे वाला ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, दोनों ट्राइंगल को आपने सिमिलर प्रूव कर दिया, दैट मीन्स अ परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस। ओके स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस। अब मेरी ट्रिक देखिए स्टूडेंट, ट्रिक। ओके स्टूडेंट, ध्यान से ट्रिक देखिएगा। हियर वी गेटिंग द ए सी स्क्वेयर,
है स्टूडेंट, मुझे क्या लाना है स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, फोकस ऑन द राइट साइड। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर। इस ट्रिक पर आप पूरा फोकस कीजिए, ए बी स्क्वायर, सो राइट ए बी टू टाइम्स। ओके स्टूडेंट, ए बी इंटू ए बी विल बी इक्वल ऑफ ए बी स्क्वायर, हियर बी सी स्क्वायर, दैट मीन्स राइट बी सी बाय बी सी। याद रहेगा स्टूडेंट मुझे क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो मैंने लिखा ए बी बाय ए बी, बी सी बाय बी सी, और यहाँ पर क्या बच रहा है, ए सी स्क्वायर, तो राइट वन टाइम ए सी, वन टाइम ए सी। ओके स्टूडेंट, इधर देखिए, ए सी विल बी इक्वल ऑफ ए डी प्लस डी सी। क्या बोला स्टूडेंट, ए डी एंड डी सी। सर इससे क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, बाय यूज ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेटिंग ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी डॉट ए डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड हियर वी गेटिंग बी सी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी डॉट डी सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, नाउ वी एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, एल एच एस विल बी एड विद द एल एच एस, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, एंड आर एच एस, वेर इज द आर एच एस, ए सी ए डी प्लस ए सी डी सी। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, नाउ आर एच एस से हमने ए सी को कॉमन निकाला, सो वी गेटिंग ए डी प्लस डी सी, एंड ए डी प्लस डी सी विल बी इक्वल ऑफ ए डी प्लस डी सी विल बी इक्वल ऑफ ए सी, सो फाइनली हियर वी गेटिंग वन मोर टाइम ए सी, एंड ए सी डॉट ए सी विल बी इक्वल ऑफ ए सी, सच दैट फाइनली वी गेटिंग ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर द पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट नाउ वी टेकिंग वन मोर टाइम ट्रिक, जो अभी हाल हमने ट्रिक देखी है उसको एक बार और देख लीजिए। ठीक है, वी हैव टू प्रूफ ए सी स्क्वेयर विल बी इक्वल ऑफ ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, फोकस ऑन द राइट साइड। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट, ए बी स्क्वेयर, जस्ट राइट टू टाइम्स ए बी इंटू ए बी। ओके स्टूडेंट, एंड सेकेंड वन बी सी स्क्वेयर, क्या दिख रहा है आपको, बी सी स्क्वेयर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी सी इक्वल टू बी सी। ओके स्टूडेंट, थर्ड वन ए सी स्क्वेयर, तो ए सी स्क्वेयर को आप एक बार ए सी, अगेन ए सी, एंड हियर ए सी विल बी इक्वल ऑफ ए डी प्लस डी सी, तो आप एक बार ए डी और एक बार डी सी लिख लीजिए। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी इंटू ए बी विल बी इक्वल ऑफ ए बी स्क्वेयर, एंड हियर ए सी डॉट ए डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेटिंग बी सी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी डॉट डी सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, सो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर एज एल एच एस, आर एच एस, ए सी डॉट ए डी प्लस ए सी डॉट डी सी। ओके माई डियर स्टूडेंट, ए सी एज अ कॉमन फैक्टर, सो वी गेटिंग ए डी प्लस डी सी, और हमने ए डी प्लस डी सी कितना देखा, ए डी प्लस डी सी विल बी इक्वल ऑफ ए सी, सो फाइनली वी गेटिंग ए सी डॉट ए सी विल बी इक्वल ऑफ ए सी स्क्वेयर। आप ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, अगर जो आपको ट्रिक ध्यान है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, पेपर में क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रूव इट। व्हाट इज द मेन स्टेटमेंट ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, यू नो दैट हाइपोटेनस, बट यहाँ पर हाइपोटेनस नहीं बोलना है। इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वेयर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड विल बी इक्वल ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ अनादर टू साइड्स। यहाँ पर आप हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको कहीं पर भी 90 के अलावा कोई एंगल डिफाइंड नहीं है। ओके स्टूडेंट, परपेंडिकुलर और बेस कब डिसाइड होता है, जब हमको कुछ एंगल पता हो अपार्ट ऑफ 90।
तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे। इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वेयर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड विल बी इक्वल ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ अनादर टू साइड्स। ओके स्टूडेंट, देन गिवन दैट, देन टू प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ओके स्टूडेंट, अब हमको एक गेम खेलना है, टोटल ट्राइंगल विद द अपर ट्राइंगल, टोटल ट्राइंगल विद द लोअर ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, सिमिलर सिमिलर के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी दो चीज को इक्वल, सो वो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, वो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय यूज ऑफ द ट्रिक। ओके स्टूडेंट, सो फाइनली बाय यूज ऑफ द एडिंग ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेटिंग ए सी स्क्वेयर विल बी इक्वल ऑफ ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द 100% सोल्यूशन ऑफ द थ्योरम रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। स्टूडेंट प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर बिटवीन द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड प्लीज 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 स्टडी फ्रॉम अवर चैनल। थैंक यू सो मच।